गाइस देखिए बहुत क्या देखे मेरे मुंह पे ये बहुत परेशान है, ये बहुत ज्यादा परेशान है, ये बहुत ज्यादा दुखी है इंसान। और एक ये देखिए डब्बा लेके आ रहे हैं, सीधा डब्बा ही लेके आ रहे हैं। ये देखिए दीपक ने किया है 21 किलोमीटर्स, मैंने 5 किया है क्योंकि मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, मुझसे ज्यादा नहीं होता है। और यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने 5-5 किए हैं, मतलब सब मेरे साथ दीपक इन्होंने सबने 5 किए हैं। बहुत सारे लोग को ट्रॉफी भी मिली है, वो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, तो लेट्स चीयर अप फॉर देम। चल उठते ना भाई यार, हम लोग बस इनको लेके चल रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय। मिली जाता है दौड़ने का। तो देहरादून में कैसा है सर ये स्पोर्ट्स? देहरादून में रनिंग का हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम लोग बहुत ही हमारे पास शशि मेहता, अनुराग सैनी अभी आपने देखा, अजय यादव जी आपने देखे हैं, हमारे पास वो क्या है इसमें, थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस। हाफ मैराथन जो आपने 21 तारीख को शुरू की थी, और अजय यादव सर जिनके बर्थडे से शुरू किया था, और कूलिंग पार्टनर भी हैं यादव रेफ्रिजरेशन, वो उनके साथ में 55 है। तो 55 में क्या ऐसा तो नहीं है रोड रिजल ने मना कर दिया आपको टिकट नहीं मिलेगा? तो क्या जरूरत है सर यहाँ से दिल्ली दौड़ के चले गए? हाँ हाँ बिल्कुल, अल्ट्रा रनर हैं। और अच्छा क्या बात है, उसके बाद मुझे लग रहा है आपने हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में मैराथन हाफ मैराथन दौड़ी हुई है। और कई बार रात को सर पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं आपको, ये रात को कहाँ दौड़ रहे हो? 100 रात को 12 बजे 1-2 बजे, तो नींद वींद नहीं आती है क्या है सर, मतलब चक्कर क्या है? 285 किलोमीटर किया था। सिंह रावत आइए देख सकते हैं हमने द टाइमिंग ऑफ 2 hours 9 minutes and 41 seconds। अजय यादव सर के लिए अल्ट्रा रनर और एक और इलीट एथलीट जो आजकल रेस्ट में है, रेस्ट में तो नहीं कहूंगा, रिहैब चल रहा है उनका बहुत दिनों से। किलोमीटर कम नाप रहे हैं, सिर्फ केश बढ़ा रहे हैं, यानी कि बाल बढ़ा रहे हैं, हेयर स्टाइल चेंज किए उन्होंने। जगदीश राम अब पता चला कैसे भागी है। कॉन्ग्रेचुलेशन रिदा, बैडमिंटन प्लेयर हैं, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती हैं। 18-20 सर खोल दिया, आप आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और अब बुला रहा हूँ मैं कैप्टन गोपी सर, गोपाल राणा सर, 002 श्रेया, श्रेया 1002 आइए, विद द टाइमिंग ऑफ 1 hour and 1 minute। Bib number 1004, first position, Shalini. चेक करा लो ड्रोन वाले से, सीरियसली मेरे पे शक मत करो, सीरियसली मैंने नहीं लिया कसम से। हमारी चाय ब्रेकफास्ट टीम निपिड और माधव भैया बोला, हमारी टीम अभी चल रहा है यहाँ रिफ्रेशमेंट। बधाई
धन्यवाद। 10 किलोमीटर दौड़े उनको और ज्यादा बधाई। धन्यवाद। अच्छा 21 किलोमीटर दौड़े हैं उनको बधाई पर बधाई। भर भर के पूरी आ रही है सर आपकी आवाज, यहाँ भी सुन रहे हैं और वहाँ भी सुन रहे हैं। आज के मौसम ने जितना हम लोगों को सपोर्ट किया। पीएम आपने जैसा मैं सुन रहा था कि पहली बार भाग रही है। पहली बार भाग रही हूँ, पहली न्यू रनर, मैंने जनवरी में ही रन करना शुरू किया। तो आप कहाँ पर हैं अभी? न्यूजर्सी में। न्यूजर्सी में है, वहाँ दौड़ के और यहाँ दौड़ने में क्या अंतर? वहाँ भी दौड़ती हैं? वहाँ भी दौड़ती हूँ मैं। नेक्स्ट ईयर न्यूयॉर्क TCS मैराथन जो है उसके लिए ट्रेन कर रही हूँ। फर्स्ट मैराथन। ओके, फुल मैराथन? फुल मैराथन। टू हाफ मैराथन। देहरादून इज माई होम टाउन, सो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो यहाँ पे रन करने का एक्सपीरियंस आई से टू टू व्हाट आई हैव डन इन यूएस। सो वेरी पॉजिटिव। तो अभी आपने कहा कि TCS मैराथन के लिए तैयारी करें, न्यूयॉर्क मैराथन के लिए, जो फ्रॉम देहरादून, तो आपके हार्ट से क्लोज है, ये तो ठीक है, ये सब ठीक है, दिल के करीब है। लेकिन हाउ डू यू फील व्हेन यू गो टू न्यूयॉर्क एंड यू आर इन न्यू जर्सी, उसके बाद में जब वहाँ पर यू मीट एनी पहाड़ी, वहाँ पर जब पहाड़ी मिलते हैं तब कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अपने इंडियंस बहुत है, न्यू जर्सी इज फुल ऑफ इंडियंस, न्यूयॉर्क भी बहुत है। इट्स नाइस टू सी पीपल फ्रॉम माय एज ग्रुप। आई नो आई एम 44, सो इट्स नाइस टू सी। कितना? मैं दोबारा बता दीजिए। 44। वैसे पूछते नहीं होंगे लेकिन मैं पूछ लेता हूं। मैं प्राउडली बोल रही हूं 44। So I've been proud to see young girls. I see her the first, you know, to see people getting into fitness from a very young age, people in like my age into fitness. I just feel very proud to see people all around. Those who are in doubt about age of ma'am. Mere papa ko dekhiye, I think he is the one who is an inspiration. My dad is, he's 81. He's in extremely good shape, so I've definitely got good genes. क्या बात है, घर में इंस्पिरेशन है। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एवरीबॉडी शुड यू नो बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कोई बात है, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। नहीं चीज में जो नए बच्चे हैं और जो अभी आगे करना चाह रहे हैं गेम, उनके लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले फिजिकल इम्पोर्टेंट है। इसलिए होगा जब धीरे धीरे जब आप लोग ट्रेनिंग हो, एक अच्छी ट्रेनिंग जब आपको मिलेगी, तो हम धीरे धीरे आगे उस लेवल पर आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक अच्छा ट्रेनर, आप जिसे कहते हैं, एक अच्छा कोच होना सबसे अनिवार्य है उसके लिए। बिल्कुल, अच्छा कोच तो होना बहुत जरूरी है, सबसे पहले यही मेन चीज़ है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग कराया जाए, उसके बाद सब कुछ मायने रखते हैं, उसमें अपना डाइट और जो भी अपना वर्क है और जो भी कराते हैं आपको, उसके हिसाब से करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और कॉम्पिटिशन करते हैं। पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। अच्छा सर, मैं देहरादून इसीलिए आया सर। और सर एक चीज़ देहरादून आपको अलाउ करता है जो दूसरे शहर नहीं अलाउ करते, आप 24 घंटे में किसी भी टाइम लौट सकते हैं। अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, जब मैं बात कर रहा था तो बोला 2 बजे नींद खुली, बोला क्या करूँ, चलो दौड़ के आ जाता हूँ, 40 किलोमीटर निकल गया। सर ऐसा क्यों करते हैं, मतलब रातों को आपके साथ कौन होता है जब दौड़ने निकलते हैं? अकेले होते हैं सर। याद है मुझे 2015 मुझे याद आता है, जब हम सड़कों पर निकलते थे 3:30 बजे, तो सिर्फ हम होते थे और सड़क सोई हुई रहती थी, उसको जगाते हुए निकलते थे। सर कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। ले मना कितने दिनों में सर, एक बार दोबारा बोलते हैं। 4 दिन में 430 किलोमीटर। 4 दिनों में 430 किलोमीटर, क्या बात है। और जो भी सर पैसा इकट्ठा होगा, डोनेशन इकट्ठा होगा, मैं उसको जो प्राइम मिनिस्टर बस भारत के लिए, उसमें लगूंगी। क्या बात है सर। सर जबकि अल्ट्रा रनर्स जितना भी जो अल्ट्रा रनिंग करते हैं, यानी कि मैराथन से ऊपर जो 42.195 किलोमीटर की फुल मैराथन, उसके ऊपर जितना भी डिस्टेंस है वो अल्ट्रा रनिंग का है। अल्ट्रा रनिंग जब आप दूसरी सिटीज में करते हैं, क्योंकि आप लगभग भारत का सारा कवर कर चुके हैं, कोने बाकी जगह दौड़ना? यहाँ पर रनर्स बहुत होंगे, अगर किसी को कुछ टिप लेनी है तो क्वालिफाइड कोचेज यहाँ पर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। मेरे लेफ्ट में यहाँ पर सुधार जगदीश सर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ सर्विसेज की 349 एज कैटेगरी, 32-39 एज कैटेगरी। हम फोटो शूट करेंगे यहाँ साथ। फाइनली हम
फाइनली हमारा सब कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉग स्टार्ट हुआ, फाइनली हो गया, मतलब अभी यहाँ का हो गया, लेट ब्लॉग स्टार्ट किया यहीं से, रास्ते का बनेगा बाइक पे बढ़िया वाला, बाइक वाला। तो हम जा रहे हैं फोटो शूट के लिए दीदी और हम जा रहे हैं जिनकी ट्रॉफी है उनके पीछे से हेलो हाई करने के लिए पहनना, फिर मैं ऐसे बैठ रहा हूँ। गाइस देखिए बहुत क्या देखे मेरे मुंह पे लगे ये बहुत परेशान है, ये बहुत ज्यादा परेशान है, ये बहुत ज्यादा दुखी इंसान। और एक ये देखिए डब्बा लेके आ रहे हैं, सीधा डब्बा ही लेके आ रहे हैं, ये देखिए ये बाहर से खा रहे हैं, ये बाहर से खा रहे हैं, तो बाहर से गलते भूख लगी है, ये देखिए मैंने बहुत सारे बाजार में चलवाए। और देखिए बड़ा जी क्या बोलते हैं, देखिए बहुत बिजी है, लेकिन बहुत बिजी पैर में ही हो गया यार, सूज से। और ये तो बहुत बिजी है, ये देखिए आपस में लड़ाई करने पे तुले हुए, बहुत टाइम बाद वापसी कर रहे हैं। तो गाइस देखिए आज चैनल के ओनर हमें पार्टी देंगे, बोल रहे हैं कि आज तुम्हें पार्टी दी जाएगी, और ये जानबूझ के स्कूटी पे जा रहा है ताकि इसको पार्टी ना दे। हाँ, ये इनके साथ जा रहे हैं, इसने भी सलाह बनाई है, इनके साथ सलाह बनाई है। तो ये देखिए ये सगर याद भाई, जिससे मैं हार रहा हूँ, जिनसे आ रहा हूँ मैं उनको दे दूंगा, ये देखिए बाकी तुम्हारा ये देखिए ये बहुत ऐसी गोलीबाज इंसान है, मेरे को नहीं छू, मैं नहीं छू। की ये लड़का जानबूझ के उसके साथ जा रहा है ब्लू टी शर्ट के साथ, क्योंकि इसको पार्टी ना देनी पड़े। और ठीक है मैं इससे पार्टी ले नहीं हूँ, क्योंकि इसका वो नहीं मिला, अब ये पार्टी नहीं लेनी। तो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं और इनको छोड़ के, और हम यहाँ से अब निकलेंगे, और ये माधव भैया अपनी ये है, आप बताए भंडारी जी बाइक क्राफ्ट वाले हैं जो कि बहुत फेमस हैं, और यह है सन लाइन हाइव रेस्टोरेंट्स, रूम, स्विमिंग पूल सब होता है, पार्टी लॉन। तो इनका आज प्राइज़ आया, बहुत खुशी हो रही उनको, और ये सुबह सुबह इनको 3 बजे उठाया करा आज, ये दुआ कर रहा कि बारिश हो जाए। अरे दुआ कर रहे थे कि बारिश हो जाए। तो इनको हमने छोड़ दिया है और हम निकल चुके हैं आगे यहाँ से, और हम इस टाइम पे हैं मालदेवता रोड पे, तो हम यहाँ से अब सरधारा रोड के लिए जाएंगे। चाय नगरी में है हम अभी, और बैठे और चाय नगरी, तो यहाँ बैठेंगे हम इनके साथ चाय पीने। और चाय से तैयारी, बैठेंगे हम यहाँ। चाय, ये है हमारी चाय, और चाय का स्वाद। फाइनली हमारी चाय हो चुकी है कंप्लीट, हम और हम निकल रहे हैं दोबारा। फाइनली हम आईटी पार्क सरधार रोड पे आ गए, थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदे गिरती हुई आपको नजर आएगी। पार्क से कनाल रोड पे आ गए हैं, ये कनाल रोड, और हम जाएंगे यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट। फाइनली उन्होंने मुझे
छोड़ दिया है हॉस्टल और ये जा रहे हैं। बाय बाय, थैंक यू। मैं यहाँ से जा रहा हूँ हॉस्टल अपने। अब गाइस फाइनली मतलब मैं अपने हॉस्टल में पहुँच चुका हूँ और आज मेरे 21 किलोमीटर की अच्छा टाइमिंग रहा अपने हिसाब से जो मैंने बोला था, और हमारे साथियों ने बहुत अच्छी टाइमिंग रही, अच्छा सब ने अच्छा किया। और बस यही कहना चाहूँगा कि जाके बस वीडियो देखो, सपोर्ट करो। और हम पहुँच चुके हैं अपने हॉस्टल में, क्योंकि अपना हॉस्टल है पीछे प्यारा सा मेरा हॉस्टल है। और फिर बहुत थक गया हूँ, जाके रेस्ट करूँगा। तो मिलते हैं आपको फिर आगे। बाय बाय।